तो फ्रेंड्स बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई मुझे कमेंट करते हैं कि सर आप इसी से क्यों नहीं बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर ओपन फार्मिंग में ही ऐसा रिजल्ट मैं कर ले रहा हूँ तो इसी सेट बनाने का फ़ायदा क्या है। बहुत सारे अभी ट्रेंडिंग में वीडियो चल रहे हैं कि इसी सेट। तो फ्रेंड्स ये जो शेड है मेरा ये 1800 स्क्वायर फीट का शेड है और यहाँ पे मैं चिक्स डाला हूँ 1600 मतलब 1.2 स्क्वायर फीट में मैंने चिक्स डाला हूँ। आप देख पा रहे हो अभी यहाँ पे फीड देने का काम चल रहा है और वहाँ पे देख पा रहे हो पैर रखने का जगह तक नहीं है, अभी थोड़ा सा खाली हो गया यहाँ पे क्योंकि ये जो टोटल चिक्स है यहाँ पे फीड इंटेक करने के लिए जा रहे हैं। और चिक्स का एवरेज ग्रोथ भी एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कैसा है। आज 28 दिन है, लगभग 1500 के आसपास बॉडी वेट चिक्स का है। तो अगर जुगाड़ से आपको कोई चीज़ मिल जाता है और इसी सेट का जो खर्चा है वो भी बहुत हाई खर्चा है, मतलब ऐसा सेट इसी सेट में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो जो खर्चा होगा, मेरा तो ज़मीन है ऑलरेडी, गांव पे तो रहता हूँ, ज़मीन का क्या मतलब दिक्कत है, तो वहाँ पे और एक सेट बन जाता है। देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ जुगाड़ से रिजल्ट करने का जो खुशी है वो आपको इसी सेट में नहीं मिलने वाला है, उसका खर्चा भी डबल होता है और डबल पेमेंट 2.5 टाइम्स पेमेंट। तो ऐसा पेमेंट तो बहुत सारे फार्मर्स कर ही ले रहे हैं ओपन फार्मिंग में। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत कीजिए, आप कीजिए, थोड़ा सा सोच समझ के कीजिए क्योंकि इसी सेट का जो खर्चा है थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो आज फीड दिया जा रहा है, अभी शाम होने वाला है और मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि फीड जो दोगे आप थोड़ा सा फीड घटा के दोगे तभी चिक्स प्रॉपर फीड इनटेक करेगा, वरना जैसे जैसे आप फीड चिक्स को रनिंग रखोगे तो उसी हिसाब से फीड जो होता है चिक्स थोड़ा थोड़ा करके छोड़ देता है, मतलब ये जो फीड इनटेक करने का जो उसका मन है ये मन नहीं रहेगा, धीरे धीरे फीड इनटेक छोड़ देगा। तो इसीलिए मैं हर किसी को बोलता हूँ कि फीड थोड़ा सा घटा के दीजिए तो आपका जो बड़ा वार्ड्स है वो भी सफिशियंट फीड इनटेक करेगा। और ये जो शेड है ये है निफिल ऑटो टिंकर का शेड, आप देख पा रहे हो कि मतलब कोई भी टिंकर यहाँ पे जो पानी इंटेक कर रहे हैं वो निफिल का ऑटो टिंकर में पानी इंटेक कर रहे हैं 500 ml कैपेसिटी, और ये वाला सेट में थोड़ा सा 1 लीटर का कैपेसिटी वाला है। तो इसका रिज़ल्ट आप देख पा रहे हो कि कैसा है, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला जो सिस्टम है पानी पीने वाला। और आपको पता है कि कोई भी टिंकर आप चिक्स में लगाओगे उसमें चिक्स को सफिशियंट पानी इंटेक करना चाहिए, ऐसा नहीं कि चिक्स पानी भी इंटेक करेगा पानी भी फेंकेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिलता है कि सर इसमें पानी गिरता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि इसमें पानी गिरता है, लेकिन थोड़ी सी अगर मेहनत आप अगर कर दोगे तो इसमें पानी नहीं गिरते। जैसे कि यहाँ पे आप दिनकर आप देख कर रहे हो कोई नीचे में कोई गिला है, ऐसा नहीं सर वहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक ड्रिंकर है नीचे में गिला है। तो इस तरह से जो ड्रिंकर है काम करता है और जो जहाँ पे पानी मेन पाइपलाइन घुसा है वहाँ पे थोड़ा सा नेट आप अगर लगा दोगे तो नेट पे थोड़ा सा फिल्टर हो जाएगा, तो कोई गंदगी ड्रिंकर में नहीं आएगा और ड्रिंकर में पानी नहीं गिरेगा। तो इस तरह से ये काम करता है। आज भी एक बार आपको वीडियो बना के दिखा देता हूँ, पूरा फार्म को विज़िट करवा देता हूँ। ये है मेरा निपिल, मतलब 2-3 दिन वो वाला सेट में ही वीडियो बना रहा था तो सोचा कि ये वाला सेट का भी एक बार आपको नज़ारा दिखा देता हूँ कि चिक्स का एवरेज कंडीशन क्या है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि चिक्स का एवरेज कंडीशन क्या है और लीटर का कंडीशन क्या है। बरसात के टाइम में लीटर आपको सफिशियंट मैनेजमेंट करना चाहिए वरना आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगने पर प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जाके हर पोल्ट्री फार्मर भाई को मेरा सूचना मिल सके, उसका लाभ हो सके। धन्यवाद।